हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बनाएंगे गुजिया, क्योंकि होली पास में आ रही है, कुछ ही दिन बाकी हैं और होली गुजिया के बनाना अधूरी सी लगती है। तो हमने सोचा कि आज बनाते हैं, दो तरीके की गुजिया बनाएंगे। एक तो जैसे मार्केट से मिलते हैं ना, वैसे वाले बनाएंगे, बिना सांचे के हाथ से बना देंगे, बढ़िया बन जाएंगे। और एक और अलग तरीके का बनाएंगे, जो कि हम पहले नहीं सोचे थे कि ये बनाने वाले हम, पर जब बनाने बैठे ना तो हमने सोचा कि ये वाले भी बना देते हैं, क्या जा रहा है, अब बनाने तो बैठे ही हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक बाउल मैदा, और इसके बाद हम इसमें बिल्कुल ज़रा सा नमक डाल देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल ज़रा सा डालना है, ज़्यादा मत डाल देना। और उसके बाद थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर। इन सब चीज़ों को एक बार के लिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे घी। घी के मैंने 2 से 3 चम्मच बड़े आराम से डाल दिए थे, और जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये घी ना बिल्कुल पिघला हुआ नहीं है, थोड़ा सा पिघला हुआ घी है, बस ऐसा ही हमें डालना था। अब इसको भी कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। जब आप हल्के हाथ से मुट्ठी बनाओगे ना, तो ये शेप होल्ड कर रहा है ना, तो इसका मतलब जो हमने घी इसमें डाला है वो बिल्कुल सही क्वांटिटी का डाला है और ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब बस कुछ नहीं करना, हमें आटा लगाना है, डो बनाना है बढ़िया सा। पहले थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और डो बना लेंगे इसका। इसके ऊपर ना थोड़ा सा घी भी लगा देते हैं। अब इसको ना गीले कपड़े से ढक के रख देते हैं, 20 से 30 मिनट के लिए इसको साइड में रखेंगे अभी। तो जितने में हमारा डो सेट होता है ना, हमने सोचा हम फिलिंग बना लेते हैं, खाली क्यों बैठना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे बढ़िया से। तो हमने क्या किया, पहले लिया घी, घी को करते हैं मेल्ट। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ पिस्ता, इसको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ भी डाल देते हैं हम। हमने ये सारी चीज़ें पहले चॉप करके रखी हुई थी, बादाम भी डाल दिए हमने थोड़ा सा, और थोड़े से हमने इसमें काजू भी डाल दिए। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं, 1 से 2 मिनट के लिए करेंगे, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 1 से 2 मिनट में बढ़िया रोस्ट हो जाएंगे। अब हम इसमें किशमिश भी ऐड कर दें, किशमिश को तो रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ड्राई फ्रूट्स तो हमने कर लिए हैं रोस्ट, तो इसको एक बाउल में ना निकाल के साइड में रख देते हैं। अब यही वाला पैन है ना, जो जिसमें हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट किए हैं, इसी में हम आगे वाली चीज़ बनाएंगे। अब हमने थोड़ा सा डाला घी, इसको पिघला लिया पहले। अब उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मावा, इसको गर्म होने देते हैं अच्छे से, मेल्ट हो जाएगा। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको बड़े आराम से मेल्ट होने के। अभी थोड़ी सर्दियाँ हैं, ज़्यादा गर्मियाँ नहीं आई ना, तो इसको इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको होने में मेल्ट। बस जब आपको लगे ना इसे पैन छोड़ने लग गया है आपका मावा, तो बस समझना कि ये सही बन चुका है। गैस को कर देते हैं ऑफ। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो ड्राई फ्रूट हमने पहले रोस्ट करके रखे थे ना, बस वो ऐड कर देंगे अब इसमें। इनको आप अच्छे से कर लो मिक्स। लो फिलिंग तो हमारी हो गई है, ये तैयार लगभग। बस लास्ट में हम इसमें नारियल का बुरादा डालेंगे। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि हमने ना इसमें चीनी ऐड नहीं की। पहली बात तो हम जो गुजिया बना रहे हैं ना, वो चाशनी वाला बना रहे हैं, और दूसरी बात इसमें ना हम चीनी बाद में ऐड करेंगे, इसको पहले ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद में इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे हम। तो हम ना चाशनी बनाने के लिए भी ना इस सेम पैन ही यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ना घी लगा हुआ है ऑलरेडी। चाशनी बनाते हैं ना तो घी लगाते हैं पहले, घी या तेल दोनों में से एक चीज़ लगाते हैं, ताकि जब चाशनी बन के तैयार हो जाए ना, तो साइड में उसके ना वाइट वाइट ना जमे ना। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, चीनी जम जाती है ना साइड में वाइट वाइट चाशनी के, जब ज़्यादा टाइम पड़ी रहती है, तो वो चीज़ ना हो इसलिए हम थोड़ा सा ना घी लगाते होते हैं पैन पर। तो बस अब हमें क्या करना है, एक बाउल लेना है चीनी का, एक बाउल से थोड़ा सा कम हम लेंगे पानी, थोड़ा सा केसर भी हमने डाल दिया इसमें, एक इलायची भी डाल दी, फ्लेवर अच्छा आएगा। अब चीनी को अच्छे से मिक्स होने देते हैं, फ्लेवर भी आ जाएगा केसर और इलायची का अच्छे से ऐसे। अब थोड़ी सी उबलने तो लग गई है चाशनी हमारी। अब हम ना इसको एक तार वाली चाशनी नहीं बनाने वाले, जब अच्छे से चीनी मिक्स हो जाए और ये उबलने लग जाए ना, तो थोड़ी सी चाशनी स्पैचुला पे लो, उसको ठंडा होने दो, फूंक मार दो अच्छे से, ऐसे ही हाथ मत लगाने लग जाना। उसके बाद यह करो ना, उंगलियों पे ऐसे रखो, एक थंब और उंगली के बीच में ना ऐसे देखो, अगर ऐसे चिपचिपापन हो रहा है ना, मतलब तार नहीं बननी चाहिए पूरी, ऐसे चिपचिपापन भी हो रहा है ना, तो इसका मतलब हमारी चाशनी ये रेडी है। हमें इतनी ही बनानी थी, हमें ये एक तार की चाशनी नहीं बनानी, एक तार से थोड़ा सा कम रखना है इसको। तो जितने में हमने ये काम किया ना, हमने जो फिलिंग बना के रखी थी ना, वो भी ठंडी हो गई होगी। उसमें ना अब हम क्या करते हैं, चीनी ऐड कर देते हैं। हम 2 चम्मच ही चीनी ऐड कर रहे हैं इसमें, बिल्कुल थोड़े थोड़ी ऐड कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं ऐड कर रहे हमारे हिसाब से,
थोड़ा ही है आपके हिसाब से, अगर ज़्यादा है तो आप मत करना चीनी ऐड, क्योंकि चाशनी में भी तो डबोएंगे ना, पर थोड़ी बहुत तो कर ही लेना क्योंकि फीकी वाली फीलिंग ना ज़्यादा अच्छी लगेगी नहीं मेरे हिसाब से। अब हम हमारी फीलिंग तो तैयार हो गई है, इसको रखते हैं साइड में। जितने में हमने ये सब किया ना, हमारा डो भी सेट वेट हो गया अच्छे से, 20-30 मिनट बड़े आराम से हो ही गए होंगे, तो वो ना बिल्कुल ऐसे स्मूथ हो गया होगा। दो दिन घुसे घुसे और देंगे, बिल्कुल ऐसे स्मूथ बन जाएगा ये। बस इसके ना थोड़े थोड़े पोर्शन निकाल के रखेंगे हम, और उसके बाद इसके पेड़े बना लेंगे। अब बस हमें कुछ नहीं करना, इसको बेलना है, बड़े आराम से बेला जाएगा, जैसे मर्जी आपसे आड़ा टेढ़ा बेला जाए, बेल लो, कुछ नहीं होता उससे। तो हमने क्या किया ना, ये लंच बॉक्स पड़ा था हमारे पास, इसका यूज़ करके ना हमने इसको गोल कट कर लिया। बात तो वही है, बनाना तो हमें गोल ही था ना, चाहे बेल के बना लो, अगर आप ज़्यादा एक्सपर्ट हो तो आप बेल के बना लोगे, अगर आप हमारी तरह अनाड़ी हो ना तो आप ऐसे कट कर सकते हो। जो सर्कल की बाहर की साइड है ना, इस पर ना ऐसे थम से ना इसे दबाएंगे, ताकि ना बीच वाली साइड ना ऊपर उठ जाए और साइड वाली साइड ना दबी रह जाए। और अब हम क्या करेंगे ना, जो हमने फिलिंग बना के रखी हुई है ना पहले, वो ना थोड़ी सी हम रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखना, थोड़े एक चम्मच रखोगे ना, एक चम्मच से काफ़ी भर जाता है, ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम क्या करें ना, साइड्स में पानी लगा रहे हैं, ताकि ना जब हम इसको बंद करें ना अच्छे से ये सील हो जाए। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड से इसको लिफ्ट करना है, और दोनों साइड्स को ना आपस में ऐसे जोड़ देना, चिपका देना है अच्छे से, और फिलिंग को भी ना अंदर ऐसे दबा दबा के फिल कर देना प्रॉपर, कि बाहर की साइड को ना निकले, अंदर अंदर सी हो जाए। और जो ना ऐसे दबाना है इसको, साइड्स को ना बिल्कुल ऐसे दबाते जाना है अच्छे से दबाना है, ताकि ना ये पूरा अच्छे से सील हो जाए, खुले बोले ना, कोई चांस ना बने कि ये खुल जाए कहीं से, क्योंकि हमने पानी तो वैसे हमने पानी तो लगाया हुआ है, थोड़ा थोड़ा दबा दोगे ना ये बंद हो जाएगा, बड़े आराम से चिपक जाता है, कोई ज़्यादा मतलब मेहनत का काम नहीं है। अब चाहो तो आप इसको ऐसे भी तल लो, पर हमें यहाँ कि थोड़ा सा डिज़ाइन बनाते हैं हम इस पे। और अब हम ये कर रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा इसको ना प्रेस करके इसको लंबा खींच रहे हैं, और इसको ना अंदर की साइड को ऐसे फोल्ड कर रहे हैं, फिर आगे जाके थोड़ा सा लंबा खींचते हैं, फिर अंदर को फोल्ड करते हैं। बस ऐसे ही करके हम प्रॉपर ये डिज़ाइन बना लेंगे, बढ़िया सा डिज़ाइन बन जाता है, देखने में अच्छा लगता है। वैसे इस डिज़ाइन से कुछ टेस्ट का फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑफ कोर्स, बस ऐसे होता है कि यार देखने में चीज़ ना अच्छी लगती है थोड़ी सी, तो बस इसीलिए हमने थोड़ी सी मेहनत कर ली, बढ़िया सा डिज़ाइन हमारा बन गया है। ऐसे एक एक करके सारे बना लेंगे। तो ये बना रहे थे ना जब, तब हमारे दिमाग में आया कि कुछ अलग भी बना के देखते हैं, तो हमने वही सेम स्टेप रिपीट किया, पेड़ा बनाया, उसको बेल लिया, आड़ी रेडी शेप बेली जैसी भी। अब हम क्या कर रहे हैं ना, इसकी साइड्स कट कर रहे हैं सारी, इसको ना ऐसे बिल्कुल रेक्टेंगल शेप में बना लेंगे। अब हमें क्या करना है ना, सेंटर से कट नहीं लगाना, थोड़ा सा ना सेंटर से आगे जाके ना वहाँ से ऐसे सीधी सीधी लाइंस में कट लगाने हैं, बस ऐसे सीधे सीधे कट लगाते जाएंगे बड़े आराम से। जो हमने पहले किया था ना, ऐसे दबाया था, जहाँ पे हमने फिलिंग रखनी है ना उसके आसपास की साइड ना ऐसे दबानी है हमें, और उस पर हमने पहले ही पानी लगा लिया, हमने बाद में लगाया था ना उसमें पानी, इस बार हमने पहले ही लगा लिया, बात तो हुई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। अब जो हमने फिलिंग बना के रखी हुई है वो हम इसमें ना बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे रख देंगे। अब जिस साइड हमने कट लगाया है ना, स्ट्रिप्स काट लिए ना जिस साइड, उस साइड से हमें फोल्ड नहीं करना, उससे ऑपोजिट साइड है ना जो, उसको स्ट्रिप वाली साइड में ऐसे फोल्ड कर देना, स्ट्रिप के ऊपर जो हमने वो काटी है ना स्ट्रिप्स, उनके ऊपर फोल्ड नहीं करना, उनसे थोड़ा सा आगे फोल्ड कर देना, और इसको ऐसे अच्छे से दबा देना है बस। अब हम ये स्ट्रिप्स है ना, इन पे भी पानी लगा लेते हैं थोड़ा सा, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। बस अब एक एक स्ट्रिप उठानी है, और उसको ना बस कुछ इस तरीके से ऐसे घुमाते जाना है। हमने पहले एक उठाई, फिर उसके बाद दूसरी नहीं उठाई, तीसरी वाली को उसके ऊपर ऐसे लगा दिया, और फिर जो बीच वाली थी ना उसको फिर लगाया ऐसे। कैसे भी कर लो, ये डिज़ाइन बनाने की बात है, जैसे आपको पसंद आए वैसे डिज़ाइन बना लो, इसमें मतलब इसमें कुछ खास लॉजिक नहीं है, जैसे आपका दिल करे ना वैसे बना लेना है। तो हमने भी ना ये कोई मतलब इतना सोच के नहीं बनाया था, बनाने बैठे थे गुजिया, तो हमने सोचा हमारे पास डो पड़ा है, सारा कुछ पड़ा है, बढ़िया मटेरियल, तो कुछ अलग डिज़ाइन भी बना लेते हैं, तो ये बढ़िया सा डिज़ाइन हमारा बन गया। हाँ, तो हमने सारे गुजिया बना के तो रख लिया, हम इनको बस तलना है। तेल हमने पहले ही गर्म कर रखा था, तेल में डाल दो इनको, मीडियम फ्लेम पे बनाना है, आराम से बनाओ, कोई जल्दी हमें है नहीं, तो बस इसको मीडियम फ्लेम पे ही रख के बनाना है, ताकि ना ये अच्छे से बन जाए, बढ़िया खस्ता बनेंगे।
थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ऐसे नहीं है कि बीच में दिल किया थोड़ा सा कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है जी इसको, अब हम थोड़ा सा इसको हाई पे कर देते हैं, वो काम मत करना, वो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा फिर उससे उतना, ये अंदर तक बढ़िया पकने चाहिए ना, तो इसलिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे बढ़िया आराम से पकने देंगे। 5 से 10 मिनट लगेंगे इसको तलने में, कोई बात नहीं, इतना टाइम चलता, जहाँ इतनी मेहनत की है तो 5-10 मिनट तो और वेट कर ही सकते हैं ना, क्या जा रहा है उसमें। बस इसको फ्लिप भी करते रहना है आपने, ताकि एक साइड से जले वले ना बिल्कुल भी। बस जब आपको लगे कि इनका कलर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन शेड आने लग गया है, इनको निकाल लो बाहर और गरम गरम चाशनी में इनको डबोएंगे। चाशनी भी हमने पहले गरम कर ली थी थोड़ी सी, फिर उसको गरम चाशनी में ही डबोएंगे हम। तो लीजिए, हमारे बढ़िया से गुजिया बनके तैयार हो चुके हैं। और सही बताऊँ ना, जो हमने सोचा नहीं था ना कि ये वाला डिज़ाइन बनाना है, मुझे वो वाला डिज़ाइन अब ज़्यादा पसंद आ रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये वाले हमने ज़्यादा क्यों नहीं बनाया, हमने एक पीस ही बनाया था, पर ये काफ़ी ज़्यादा देखने में टेम्पटिंग लग रहा था, दूसरे भी टेम्पटिंग लग रहे थे, पर ये मुझे ज़्यादा लग रहा था टेम्पटिंग। पर हाँ, खाने में तो सेम ही थे, टेस्ट तो सबका सेम ही था, सारा कुछ सेम मटेरियल था, बस डिज़ाइन का ही फ़र्क है। पर हाँ, आप चाहते हो कि इस होली में हम थोड़ा से अलग तरीके की गुजिया बनाएं तो ये वाले बना के देख लें, अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें तो नॉर्मल वाले बनाने तो दूसरे वाले बना के देख लेना। और कमेंट करके ज़रूर बताना जब आपने बना के देखे आपके वाले कैसे बने थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय।